आखिरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ ही दी और इंदौर में मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाते हुए अपने रिश्ते की बानगी सबके सामने रख दी। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। कैलाश विजयवर्गीय से मेरे 20 साल पुराने रिश्ते सिंधिया, हम आमने सामने चुनाव जरूर लड़े लेकिन संबंध मधुर रहे सिंधिया। इंदौर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दिखाई बेबाकी। आखिरकार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से अपने रिश्तों को लेकर बेबाकी दिखा ही दी। जन आशीर्वाद यात्रा से विजयवर्गीय की दूरी के सवाल पर सिंधिया बड़े ही साफ गोई से कहा कि विजयवर्गीय से उनके 20 साल पुराने मधुर संबंध है और कैलाश जी के चिरंजीव भी सिंधिया के साथ है। आप खुद ही सुन लीजिए सिंधिया की कैलाश विजयवर्गीय से संबंधों पर बेबाकी। कैलाश जी और मेरा 20 साल पुराना संबंध रहा है। बैठे बैठे बैठे, अभी कोई जल्दी नहीं। 20 साल पुराना संबंध रहा है, बहुत मधुरता का संबंध रहा है। हाँ, चुनाव हम लोग आमने सामने लड़े हैं, पर चुनाव के बाद भी मधुरता का संबंध हम लोगों का रहा है। और कैलाश जी स्वयं परसों सुबह इंदौर के हवाई अड्डे पे उपस्थित थे। आके उन्होंने मुझे फूल का गुलदस्ता दिया, मुझे साधुवाद दिया, मुझे बधाई दी। और उनके चिरंजीव मेरे हर इंदौर के दौरे में मेरे साथ रहते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि कैलाश जी के साथ भी मिलकर हम लोग साथ में मिलकर इंदौर का विकास करेंगे और आपको खुश करने का प्रयत्न करेंगे। आपको बता दें कि सिंधिया के इंदौर आगमन पर कैलाश विजयवर्गीय ने एयरपोर्ट पर गुलदस्ता देकर स्वागत किया था, जिसकी तस्वीरें एमपी न्यूज ने ही सबसे पहले दिखाई थी। आकर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अपने रिश्ते बयां कर सियासी चर्चाओं को विराम देने की भरसक कोशिशें की है। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।